कल उसने मुझे इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाया है। वाकई? अच्छा क्या क्या खाया? अब डिशेस विशेस के नाम नहीं पता मुझे, लेकिन थे बहुत मजेदार। सुन, कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की? दादी आप हर वक्त यही कहती रहती हैं, कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की। मम्मी भी यही कहती रहती हैं, अपनी चोंच बंद रखो। ये क्या बात हुई? क्योंकि तू है ना थोड़ी सी खिसकी हुई। दादी अमजान, अमजान। हाँ। मुझे आपसे ना बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। पहले जब ये किसी सहेली के यहाँ जाती थी तो एक एक बात मुझे बताती थी। कल ये शगुफ्ता के घर गई, ये सीधी कमरे में चली गई, इसने मुझे एक बात भी नहीं बताई। क्या हो रहा है शगुफ्ता? क्या मुझे तो पहले ये बता कि शगुफ्ता के घर के अंदरूनी हालात जानने में तुम्हें क्या दिलचस्पी है? मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है अमजान, सिवाय इसके कि भाई पता चलता रहे कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, बस। और क्या क्या हो रहा है शगुफ्ता के आजकल? ना मैं बताती हूँ, शगुफ्ता की माँ के पित्ते में पत्थरी है। हाय अल्लाह, वाकई? वाकई। अब तू जा, जाके उसकी माँ के पित्ते में से पत्थरी निकाल ले। अम्मी जान, आपने शादी के पहले दिन से मेरी तस्दील की, हर बात में आप जुमले पे जुमला कहती हैं। अब आपके साथ ये मिल गई है, क्या करूं मैं? शगुफ्ता की अम्मी से कहना जौ का पानी पिए। और वो जो चूल्हे पे हंडिया पड़ी जल रही है, उसका क्या होगा? अमजान, मैं जा रही हूँ। किस्मत खराब है, हंडिया में खुद ही जल जाऊंगी। इतना बड़ा देगचा चाहिए जिसमें ये समाएगी। अच्छा तो कोड वर्ड है शगुफ्ता, रमी से मिलने का। तो और सुनाओ, How's life? Life is good. तुम बताओ। क्या बताऊं यार, तुम्हें एक बात बतानी है। बोलो। तुम्हें पता है खाला ने मामा से मेरे लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा? हमारे घर वाले चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए। Just imagine. Really? घर वाले तो कुछ भी सोच लेते हैं यार, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा। लेकिन मुझे तुमसे शादी करने में कोई एतराज नहीं है। अच्छे खासे हैंडसम हो यार, तुम पे तो कोई भी लड़की फ्लैट हो जाएगी। रजिया नहीं हो गई तो मैं क्यों नहीं हो सकती? मगर तुम लेट हो गई हो, मेरी मंगनी हो गई है यार। यही तो मसला है यार, इस मामले में ना रजिया बहुत लकी है जो उसे तुम मिल गए। मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे रजिया जैसी लड़की मिली। ओए होए, अब तो मुझे रजिया से मिलना ही होगा। ये बताओ कब मिलवा रहे हो? जल्दी मिला दूंगा, आज शाम को तो लाहौर जा रहा हूँ मीटिंग पे। फ्लाइट कब की है? 10 बजे की। बस ठीक है, हमारे पास टाइम है, तुम मुझे अभी इसी वक्त रजिया से मिलवाने लेके जाओ। हम भी तो देखें आखिर कौन है जिसकी इतनी तारीफें हो रही। अगर तुम 10 मिनट में तैयार हो जाती हो तो जा सकते हैं। मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ।